हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेल। आई एम राहुल भटनागर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये हमारा वीडियो डेप्रिसिएशन के चैप्टर को अभी कंटिन्यू करेगा। इससे पहले के वीडियोस में हमने स्ट्रेट लाइन मेथड्स को बहुत अच्छे से समझा है, हमने स्ट्रेट लाइन मेथड्स के थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को भी समझा है और हमने इसके न्यूमेरिकल्स को भी हम लेके चले हैं। और डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के जो दो तरीके हैं, जिसमें प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया जाता है और एक में प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाया जाता, इन दोनों मेथड्स को लेकर हमने स्ट्रेट लाइन मेथड्स की इलस्ट्रेशंस को करी हैं। आज हम समझते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड्स को। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड्स को समझने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि आप स्ट्रेट लाइन मेथड्स को अच्छी तरह कर चुके हो। स्टूडेंट्स, अंडर द रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ए फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन द रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द मशीन। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, इट मीन्स जो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे वो मशीन की रिटर्न डाउन वैल्यू पे ही होगा, मीन्स रिड्यूसिंग वैल्यू पे ही होगा एवरी ईयर। फर्स्ट ईयर हमारा डेप्रिसिएशन ऑन द बुक वैल्यू पे होगा और सब्सिक्वेंट ईयर्स में जो बुक वैल्यू में से हम फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे उनके ऊपर निकलता जाएगा। इट मीन्स सब्सिक्वेंट ईयर्स में हम रिड्यूसिंग बैलेंस पर ही डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। इसकी डेफिनेशंस और अच्छे से समझ लो। ए फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ द डिमिनिशिंग वैल्यू ऑफ द एसेट इज रिटर्न डाउन ईच ईयर। फिक्स्ड परसेंटेज होती है डेप्रिसिएशन का, जो रेट है डेट विल रिमेन फिक्स्ड थ्रू आउट द यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीन एंड डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन द रिटर्न डाउन वैल्यू ईच ईयर। इट्स का मतलब है द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन विल रिमेन कॉन्स्टेंट एवरी ईयर बट द बुक वैल्यू विल गो ऑन डिक्रीजिंग। बुक वैल्यू कम होती जाएगी, इट मीन्स डेप्रिसिएशन अमाउंट विल आल्सो गो ऑन डिक्रीजिंग एवरी ईयर। हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी कम होता जाएगा और मशीन की वैल्यू भी कम होती जाएगी। इसको हम एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं कि स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होता था और अब इस मेथड में, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में, या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं, इसमें डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होगा। अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, सपोज कॉस्ट ऑफ द मशीन हमारी है 10,000, ठीक है, फर्स्ट ईयर में। तो फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन कितना लगेगा अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड इफ द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10%? 1,000, ठीक है। तो हमारी जो बुक वैल्यू है ये 9,000। सेकेंड ईयर पे कितना लगेगा डेप्रिसिएशन? अगेन 1,000, क्योंकि डेप्रिसिएशन जो 10% है ये ओरिजिनल कॉस्ट पे ही लगेगा, इसी के ऊपर ही लगेगा स्ट्रेट लाइन मेथड में। तो अगेन 1,000, 8,000 रह गई एट द एंड ऑफ द 2 ईयर्स। थर्ड ईयर में फिर हमारा कितना रहेगा डेप्रिसिएशन? अगेन 1,000। तो बुक वैल्यू हमारी आफ्टर द एंड ऑफ 3 ईयर्स 7,000 रह जाती है क्योंकि हमने डेप्रिसिएशन को एवरी ईयर 1,000 चार्ज किया है। अब आ जाइए रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड्स पे। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड्स पे भी डेप्रिसिएशन रेट 10% है और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन विल रिमेन सेम। यहाँ पे अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन भी सेम था और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी सेम था। इसमें अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन विल गो ऑन डिक्रीजिंग और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन विल रिमेन कॉन्स्टेंट। फर्स्ट ईयर 10,000 पे आप 10% लगाएंगे तो आपका फर्स्ट ईयर सेम ही आएगा 1,000 रुपीज़। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर हमारे पास बुक वैल्यू रह गई 9,000। अब आप इस 9,000 पर अब आप 10% लगाएंगे सेकेंड ईयर पे, तो कितना डेप्रिसिएशन बना हमारा सेकेंड ईयर पे? 900 रुपीज़। यहाँ देखिए 1,000 था, अब यहाँ 900 रुपीज़ आ गया। तो अब बुक वैल्यू कितनी रह गई एसेट्स की? 8,100। अब देखिए थर्ड ईयर पे हमने यहाँ पे फिर से 1,000 लगाया था, अब यहाँ पे 10% लगाएंगे तो कितना लगाएंगे? 810 रुपया। 0927 7,290। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप डिफरेंस देख रहे हैं दोनों में। स्ट्रेट लाइन मेथड के अगेंस्ट में अब बुक वैल्यू रह गई 7,000 रुपीज़ क्योंकि अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन विल रिमेन सेम थ्रू आउट द इट्स वर्किंग लाइफ। और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड्स में जो बुक वैल्यू है वो 7,290 है क्योंकि हमारा जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है दैट गोज ऑन डिक्रीजिंग। एक और डिफरेंस है स्टूडेंट्स, स्ट्रेट लाइन मेथड्स में जो डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं वो ऑलवेज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट
10,000 ओरिजिनल कॉस्ट है तो 10% हमने इस पे लगाया। लेकिन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड्स में हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ऑन रिड्यूसिंग बैलेंसेस के ऊपर। अब नेक्स्ट ईयर 7,290 पे लगेगा। अंडर दिस मेथड द बुक वैल्यू ऑफ द मशीन विल नेवर बिकम जीरो, बट अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड द बुक वैल्यू आफ्टर इट्स यूजफुल लाइफ विल बिकम जीरो। इसमें ज़ीरो नहीं होगी, कुछ ना कुछ फ्रैक्शंस अमाउंट बचा रह जाएगा। अब स्टूडेंट्स, अगर आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना पड़े तो स्ट्रेट लाइन मेथड में तो ये बहुत आसान था। डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय में कॉस्ट ऑफ एसेट्स इनटू में 100 आप रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकाल देते हैं। लेकिन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड्स में इतना आसान नहीं है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना। इसमें हमें बता देता हूँ आपको, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज वन माइनस में अंडर रूट एन स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ द एसेट्स। इनटू में 100, यहां पे एन इज इक्वल टू यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीन। यूजफुल लाइफ, स्क्रैप का मतलब आपको पता ही है, आफ्टर द यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीन कितने में ये बिक जाएगी मशीन, इसकी कबाड़ी वाला कितने में लेके चला जाएगा। कॉस्ट ऑफ द मशीन मीन्स जो ओरिजिनल कॉस्ट है इनटू में 100% निकालने के लिए। स्टूडेंट्स, यहाँ पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इन परसेंटेज निकालना इज़ नॉट सो ईजी। अगर आप मैनुअल कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आपको इसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इसके लिए यूजली लॉग टेबल्स को यूज़ किया जाता है। और सबसे बड़ी बात, स्क्रैप वैल्यू अगर मशीन की नहीं है, सपोज इट इज़ ज़ीरो, तब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हम निकाल ही नहीं सकते। अगर आप देखिए, यहाँ पे हम ज़ीरो लगा देते हैं तो एंटायर आपका जो ट्रांजैक्शन है वो ज़ीरो हो जाती है। स्टूडेंट्स, अब हम एक इलस्ट्रेशन लेते हैं, टीएस ग्रेवाल की बुक से लेंगे, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के ऊपर थोड़ी सी आसान लेंगे। वैसे आप लोगों को ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेगा क्योंकि आपने स्ट्रेट लाइन मेथड्स की काफ़ी अच्छी डिफ़िकल्ट लेवल की इलस्ट्रेशंस को आप कर चुके हो, तो मैं अभी इसको रब करता हूँ और एक इलस्ट्रेशन लेके आता हूँ आपके लिए। वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं इलस्ट्रेशन पढ़ रहा हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 15 है, पेज नंबर 14.27, टीएस ग्रेवाल, मैंने लिख दिया यहाँ पे। वैसे ए फर्म परचेज ए मशीनरी फॉर ₹80,000 ऑन 1st July 2015 and decided to depreciate it 10% annually on the diminishing balance method. Firm ने 80,000 की एक मशीन खरीदी है, तो 80,000 तो हमारे लिखी दो जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, टू बैंक अकाउंट, कब ली है, ये 1st July 2015 में ली है, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10% ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। आगे पढ़ते हैं, ऑन 1st October 2017, इसका मतलब 16 में कुछ नहीं हुआ, 17 में ए पार्ट ऑफ द मशीनरी वैल्यूड इन द बुक्स ऑफ द फर्म इज 16,000 ऑन 1st July 2015 वाज सोल्ड फॉर ₹10,000। एक मशीन थी 1st July 2015 को हमने ₹16,000 की ली थी, और बेची कब है, 1st October 2017 में बेची है 10,000 रुपीज़ की, है ना। अब आगे कहता है, ये शो मशीन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2016, 2017 एंड 2018, तीन साल का हमें बनाना है। 2015 से शुरू हुआ है, 2016, 17 और 18। चलिए बनाते हैं स्टूडेंट्स। 1st July 2015 को हमने मशीन खरीदी 80,000 रुपीज़ की, इसका डेप्रिसिएशन लगा 2016 में मार्च 31st मार्च, ठीक है, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 10% लगाएंगे हम, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 10% लगाएंगे 80,000 पे। बट कितने मंथ्स पे लगाओगे, हमने जुलाई में खरीदी है, इसका मतलब अप्रैल मई जून 3 महीने पे नहीं लगेगा, 9 मंथ्स पे लगेगा। 80,000 का मतलब 8,000 एक साल में होती, अगर 8,000 एक साल में है तो 9 मंथ्स में कितनी है, 9 मंथ्स में है 6,000 रुपीज़। 6,000 रुपीज़ हमने डेप्रिसिएशन निकाल दिया। अब इसका आप बाय बैलेंस सीडी निकाल लो, पहले आप इसको क्लोज कर लीजिए 80,000 रुपीज़ से दोनों साइड,
80,000 rupees, 74,000. अब एट द एंड ऑफ 2016, मार्च 2016 में मशीन की वैल्यू रहेगी 74,000. अब ये इसका ओपनिंग बैलेंस बन गया 1 अप्रैल 2016 को, 2016 अप्रैल फर्स्ट टू बैलेंस बीडी. अब 2016 में तो कुछ भी नहीं हुआ, 2017 में एक मशीन का एक पार्ट बिका है, तो अभी तो हम इसको ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं. 2017 में अब ये क्लोज होगा मार्च 31st को, मार्च 31st बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट. कितना डेप्रिसिएशन लगा? 74,000 पे अब लगाएंगे हम 10%, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन विल रिमेन सेम. अब डेप्रिसिएशन हो जाएगा हमारा पूरे साल का लगेगा 7,400. अब बैलेंसिंग करते हैं दोनों साइड्स की. $66,600 यह आ गया हमारा बैलेंस बाय बैलेंस सीडी. अब आ जाइए 2017 अप्रैल फर्स्ट टू बैलेंस बीडी. हमारे पास मशीन्स की वैल्यू कितनी है? 66,600 है. अब ये कहता है 1 अक्टूबर 2017, यानी कि 2017 में अक्टूबर फर्स्ट एक मशीन बेची है 10,000 रुपये की. बाय बैंक अकाउंट लिख देते हैं हम. आई होप कि आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही होगी, क्योंकि ये सब आपने स्ट्रेट लाइन मेथड में किया हुआ है. 10,000 रुपीज़, ठीक है. अब हमने एक क्या क्या काम हमारे बाकी हैं. एक तो हमने ये जो मशीन हमने खरीदी थी जो 10,000 में बेची है, 16,000 है, इसका डेप्रिसिएशन निकालना है, और बैलेंस बची हुई जो मशीन्स हैं और भी हैं उनका भी बैलेंस निकालना है. अब देखिए, ये मशीन हमने खरीदी है 1 जुलाई 2015 को. अब हमारा 31 मार्च 2016 पहला साल इसका मशीन का पूरा होता है. 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, तो अगर एक साल का पूरा लगता तो कितना होता? 1600 रुपीज़. अब 1600 ना होके अब हम नाइन मंथ्स पे लगाएंगे. 1600 अगर पूरे साल का होता तो 9 मंथ्स का कितना बनता? 1200 रुपया. तो आप इस पे फर्स्ट ईयर, ये हमारा वर्किंग नोट्स में चल रहा है स्टूडेंट्स, वर्किंग नोट, आप इसको वर्किंग नोट को दिखाना है आपने एग्ज़ाम इस मशीन अकाउंट के नीचे बना के दिखाना है. अपनी जो भी वर्किंग कर रहे हो उसमें दिखा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. फर्स्ट ईयर में 2016 में इस पर 1200 रुपये डेप्रिसिएशन लग गया. अब 1200 रुपये इसमें से माइनस कर दीजिए आप 16,000 में से, तो ये आ गया 14,800, ठीक है. अब नेक्स्ट डेप्रिसिएशन कब लगेगा? 31 मार्च 2017. तो पूरे साल का लगेगा, पूरे साल का लगेगा, तो 1480. तो अब बैलेंस कितना बच गया? 13,320. ये जो बैलेंस है अब कौन किस डेट पे है? 1 अप्रैल 2017 का ओपनिंग बैलेंस बन गया. ये 31 मार्च का क्लोजिंग था, तो 1 अप्रैल 2017 का ओपनिंग बैलेंस बन गया. अब यही वाली मशीन को बेचा है 1 अक्टूबर 2017, तो 13,320 पे हम कितने महीने का डेप्रिसिएशन और लगेगा? अप्रैल से आगे बढ़िए, अक्टूबर तक आइए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है. 1 अक्टूबर है तो हम सितंबर तक का लेंगे, तो 6 महीने का. अब पूरे साल का अगर डेप्रिसिएशन लगता तो 1,332 रुपये लगता. तो आप देख लो 6 महीने का कितना होगा, 1,332 डिवाइडेड बाई आप 2 कर दीजिए, ये आ गया 666. करंट ईयर का, इस ईयर का, इस मशीन का डेप्रिसिएशन आ गया 666. अब बैलेंस बचा इस मशीन का 13,320, 1200,654. वैल्यू ऑफ द मशीन इज 12,654 रुपीज़. अब देखिए,
हमने बेचा कितने में है, 10,000 रुपीज़ में, तो लॉस कितना हो गया हमें, लॉस हुआ ना 2,654। अब इसको भी दिखाना है हमें मशीन अकाउंट में, और डेप्रिसिएशन को भी हमने मशीन अकाउंट में दिखाना है। डेप्रिसिएशन दिखा दीजिए पहले, बाय डेप्रिसिएशन 666, मैं इनर कॉलम में लिख रहा हूँ क्योंकि हमें अभी बैलेंस मशीन्स का भी डेप्रिसिएशन निकालना है। और दूसरा है लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ये गया हमारा P&L अकाउंट, कितना है 2,654, 2,654। अब और आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, अब हमने बैलेंस मशीन्स का भी निकालना है। यहाँ जो बैलेंस मशीन का बैलेंस आ रहा है, इस बैलेंस में ये है तो आफ्टर डेप्रिसिएशन ही है, इस बैलेंस में वो मशीन भी इंक्लूडेड है जो हमने अभी बेच दी है, जो हमने अभी 16,000 की थी हमने 10,000 में बेची है, लेकिन आफ्टर डेप्रिसिएशन ऑन 1 अप्रैल उसकी क्या वैल्यू थी। ऑन 1 अप्रैल इस मशीन की वैल्यू थी, 1 अप्रैल 2017, 13,320 रुपीज़। ठीक है, समझ में आ रहा है? दोबारा बताता हूँ, ये जो बैलेंस BD हमने निकाला है, ये एज़ पर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड्स मशीन की नेट वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू है जिसे हम कहें। इस वैल्यू के अंदर हमारी वो मशीन भी इन्वॉल्व है जो हमने बेच दी है, जो हमने 16,000 की खरीदी थी 2015 में और 10,000 की बेच दी है 2017 में। अब इस मशीन की वैल्यू कितनी है एज ऑन 1 अप्रैल 2017, ये हम अभी निकाल चुके हैं। एज ऑन 1 अप्रैल 2017 13,280 की है। अब इसमें से आप माइनस कर दे, अगर हम इसकी वैल्यू जो बिक चुकी है, तो हमारे बैलेंस मशीन्स की वैल्यू रह जाएगी, बुक वैल्यू रह जाएगी। अब आपने माइनस कर दिया, 6660 माइनस में 13,320, 666, ये रफ वर्क कर रहा हूँ, माइनस में 13,320, तो ये आ गया हमारा 53,280 रुपीज़। इसका मतलब अब जो डेप्रिसिएशन बैलेंस मशीन्स पे लगेगा वो इस पे लगेगा, इस पे 10% लगेगा, तो 10% कितना हो गया 5,328, वो पूरे साल पे लगेगा। बाय डेप्रिसिएशन 5,328, तो टोटल कर लीजिए आप 4,995। ठीक है, अब तो सारे काम ही ख़त्म हो गए, बस अब तो हमें क्लोज़ करना है। अब आप इसको क्लोज़ कर दीजिए, 66,600 दोनों साइड लिख दीजिए, 66,600, और इसमें से ये सारे अमाउंट माइनस कर दीजिए। पहला अमाउंट आ रहा है 66,600 माइनस में 15,994 माइनस में 2,654, 47,952, ये आ गया हमारा बैलेंस CD। और कौन सी डेट में, मार्च 31st, ये सब मार्च 31st में आ रहा है हमारा। तो ये था स्टूडेंट्स आज की इलस्ट्रेशंस हमारी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के ऊपर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं थी, आसान वाली इलस्ट्रेशन ही ली थी हमने। अब हम एक इलस्ट्रेशन और लेंगे, लेकिन आज नहीं लेंगे, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। अभी थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे इसके ऊपर, और थोड़ी सी और हायर लेवल की इलस्ट्रेशन लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए इलस्ट्रेशन के साथ में ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। थैंक यू वेरी मच।